नमस्कार। 12 साल लंदन में रहने के बाद हमें रियलाइज़, जब हम भारत आए 10 वर्ष पहले, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हड्डियों का और जोड़ों का कोई इतना इंडिया में ध्यान नहीं रखता जब तक तकलीफ ना हो। तो हमने सोचा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग पहले ही सतर्क हो जाएं ताकि बाद में ज़्यादा तकलीफ़ ना पड़े। इसी सोच से हमने मुनोत हेल्थ केयर फाउंडेशन स्टार्ट किया। रतन टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा जी ने हमें इसका बहुत सहयोग दिया इस फाउंडेशन को खोलने में, वे हमारे इंस्पिरेशन थे और इस वजह से हमने खोला। अब मुनोत हेल्थ केयर फाउंडेशन ऑर्थोपेडिक वेलनेस कैंप्स भी करता है पूरे भारत वर्ष में। हमने पिछले 3 साल में 30 से ज़्यादा कर लिए 6 डिफरेंट स्टेट्स में। हम फ्री में सर्जरीज भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं अपने जोड़ों को और हड्डियों को कैसे कैसे ध्यान रखना है, कैसे अच्छा बनाना है। और हम छोटे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, जो यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनको भी सिखाते हैं कैसे सर्जरीज होती हैं, कैसे करना चाहिए। और कम्युनिटी एक्टिविटीज़, एक जागरूकता लाने के लिए हम कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जैसे ये वॉकेथॉन वो करते हैं। ये हमारा पुणे का सबसे पहला मेड इन वॉकेथॉन है और लोगों ने बहुत सहयोग दिया और बहुत बड़े मात्रा में सब यहाँ आए, उपस्थित हुए सुबह वॉक करने के लिए। तो दिस इज़, और इस साल हम 5 डिफरेंट सिटीज़ में कर रहे हैं, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली और जोधपुर। जोधपुर हम महाराजा गत सिंह जी के ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? ये जो इतना ब्यूटीफुल कॉज हमें देखने को मिल रहा है, सो इफ यू सी ऑल द एनजीओज एंड द गवर्नमेंट, देयर इज ऑलवेज बीन अ पुश फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ कैंसर, हार्ट डिजीज एंड चिल्ड्रन, एंड ऑफ कोर्स राइटली सो। बट आई फाउंड वाज देयर वाज अ निग्लेक्ट इन द taking care of bones at a community level and a preventive level. Yes, you have a fracture, you get treated, that's fine, not a problem. But how can we prevent this? How can we take care of our bones and how can we take care of our joints before they get damaged? So that is the reason we started this, to increase the awareness, to make sure that people exercise. And what is exercise? Exercise is, because you exercise, your bone grows till the age of 30. After that, it is all downhill. How can we increase that bone? By weight-bearing exercises. And what is the simplest form of weight-bearing exercises? Walking. And that's how we came with the concept of walkathon. It is called Orthopedic Walkathon, OWN. And this is what has been the trademark of Munoth Healthcare Foundation. And it supports the cause of the whole foundation as well. So that is the reason of doing this activity and making sure people are aware that how you take care of your bones and joints, so you do not need future, or you can at least prevent, if not prevent, at least elongate your normal joint activities. That is the main reason. So, madam, this time Pune, why Pune? Mumbai, Ahmedabad and Jodhpur, so this time Pune choose kiya? So hum ये 5 वॉकेथॉन्स इसी साल करने वाले हैं, पर पुणे से शुरुआत की हमने, क्योंकि पुणे अव्वल, आपका पुणे बहुत सुंदर है, हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, हमने देखा कि हेल्थ केयर के प्रति, एक प्रिवेंशन के प्रति लोगों की जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है पुणे में। लोग अपने शरीर का, अपने हड्डियों का ध्यान रखना चाह रहे हैं, तो इसी सोच को और गहरा बनाने के लिए हमने सोचा पुणे एक बहुत अच्छी सिटी है और हमें करना चाहिए। ऑल्सो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनोत ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और फुट एंड एंकल के जो स्पेशलिस्ट हैं, हम हर महीने में 2 बार रूबी हॉल क्लिनिक आते हैं पुणे में यहाँ सेवा देने के लिए। तो इसी वजह से हमने सोचा पुणे एक अच्छा सिटी है स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट कौन सा स्टेट होगा? नेक्स्ट हम कर रहे हैं जोधपुर में, महाराजा गत सिंह जी के साथ, वही आ रहे हैं फ्लैग ऑफ करने और उनके ट्रस्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और 24 नवंबर संडे को। इस बार ऑर्थोपेडिक वॉकेथॉन में SBI, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, PSU बैंक है, उन्होंने स्पॉन्सरशिप हमें किया। उनको ये सोच बहुत अच्छी लगी तो वो हमारे पार्टनर बने। वेंकीज़, जो पुणे के अपने बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, उनका भी स्पॉन्सरशिप रहा। और बाकी भी हमारे काफ़ी सारे पार्टनर्स रहे, जैसे ताज है, क्यूमिन है, बिस्लेरी है, आदर पुणे वाला ग्रीन इनिशिएटिव है जो इसमें जुड़े हमसे, और मुंबई नी फुट एंकल क्लिनिक, जो फुट एंड एंकल क्लिनिक के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस
इस में हमारा साथ दिया उन्होंने भी. So I would just like to add a few more things, like Mumbai Knee Foot Ankle Clinic, which we have started as well as almost like India's number one specialist foot and ankle clinic. Everything under one roof, we get it. So when we do a foot and ankle clinic, any patients we see, लोगों को लगता था कि एक चीज़ इधर है फिर दूसरी चीज़ जगह जगह पे मिल रही थी. सो एवरीथिंग यू व्हाट यू नीड फॉर फुट एंड एंकल इज देयर अदर देन सर्जरी. सो दिस हैज़ बीन द पार्टनरशिप ऑफ विद द फाउंडेशन एज वेल एंड ऑफ कोर्स इन पूना नथिंग बेटर देन रूबी हॉल क्लिनिक हैज़ बीन अ सपोर्टिव पार्टनर फॉर दिस इनिशिएटिव 360 एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ द होल फाउंडेशन इन द लास्ट 3 years हैज़ बीन गो 365 चरक हु हैव ऑल्सो गिवन अ लॉट ऑफ इन द गुडी बैग्स एज वेल. Thank you so much. So Walkathon, first time Pune mein ho raha hai. What did you say about and aap yahan जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए चलना बहुत ज़रूरी है और मुनोथ हेल्थ केयर फाउंडेशन ने आज वॉकेथन अरेंज किया है और देर इज़ अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स टू दिस इवेंट. जिस तरह से हम हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हैं उसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी की हेल्थ का ख्याल रखते हुए एवरी एलिजिबल वोटर जो पात्र मतदार है मतदाता है एवरी एलिजिबल वोटर I appeal to every eligible voter to come out of home, to walk out of home and vote on 20th of November. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण आपलं स्वतःचं आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी वॉक करतो चालतो आपण घराबाहेर पडतो आणि वॉकिंग करतो. याच पद्धतीनं आपल्या लोकशाहीचं आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी प्रत्येक पात्र मतदारांनी मतदान करणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळं माझं प्रत्येक पात्र मतदाराला आवाहन आहे की आपण घराबाहेर पडूया. Let us walk out of our homes and vote on 20th of November. It was a very good event basically and ये जैसे वॉकेथॉन है ऐसे वॉकेथॉन और भी थोड़े होने चाहिए basically awareness के लिए, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग morning workout के लिए चलते दौड़ते जो भी है. अभी हम लोग cycling करते हैं, मेरा daily basis पे about 30-35 किलोमीटर का cycling रहता है, ऑफिस जाने के लिए हो या दूसरे कोई काम के लिए हो, तो उसके साथ वॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वॉकिंग जो है वो आपको बॉडी को जो स्लोली जैसा डेवलप होने के लिए हेल्प करता है. सो उसके लिए वॉक और रन या जॉगिंग थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको लगता है. तो ये जो इनिशिएटिव है मुनोथ फाउंडेशन का, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड अगेन I also had tested my bone density. Fortunately, it was very good. So, ज़्यादा कुछ उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है. फिजियोथेरेपी भी मैंने लिया, मेरा थोड़ा पैर में मोच आया था वॉक करते हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे को वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा मसाज किया. नाउ इट इज़ पेन्स आर ओके नाउ. सो गुड इनिशिएटिव. ये टाइप में कुछ तो भी सिटी में हो रहा है, आई थिंक पूना में पहली बार हो रहा है, तो अच्छा है. मैं एक्चुअली पिंपरी चिंचोड़ से आया हूँ, अबाउट 21 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस. सो वी केम साइकिलिंग एंड नाउ वी विल वी हैव डन 5 किलोमीटर वॉक एंड विल गो बैक नाउ. थैंक यू सो मच.